हेलो, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हो यार? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे यार। मेरे चैनल साजिद फोटोग्राफी को भाई सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों में। यार मैं आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आता हूँ यार, तो भाई को थोड़ा सा तो बेनिफिट दिया करो यार। सब्सक्राइब कर दिया करो, लाइक चाहे मत करो, सब्सक्राइब करो। बाद में जब आपको वीडियो अच्छी लगे आप लाइक बाद में भी कर सकते हो। तो चलो यार मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं आपसे बातें कर रहा हूँ लेकिन आपने मेरी बातों की तरफ कम और एडिटिंग की तरफ ज़्यादा ध्यान देना है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो क्लिक है ये मैंने किया था, ये किसी, ये मेरा छोटा भाई है, ठीक है, इसका मैंने क्लिक किया है। क्लिक करने के बाद तो आपको मैं दिखाता हूँ कि इसका हमें जो एडिटिंग करने के बाद जो हमारे सामने रिज़ल्ट आएगा। आपने थंबनेल पर देखा ही होगा कि थंबनेल पर इधर वाली बिफ़ोर और आफ्टर दोनों पिक्स लगी हुई हैं, ठीक है। तो आपने बिफ़ोर भी देखनी है और आफ्टर भी देखनी है, दोनों में आपको ज़मीन और आसमान का फ़र्क नज़र आएगा, ठीक है। तो ये देखिए मैं आपके सामने जो कुछ भी कर रहा हूँ आपने इसको ध्यान से देखना है और इसको आपने कॉपी करना है, ठीक है। आप चाहें अगर आप कहते हैं तो मैं अपनी जो पिक है इसका लिंक दे देता हूँ, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में। और आपने क्या करना है कि तस्वीर को डाउनलोड करना है, इसको बनाकर मुझे सेंड करना है। अगर जो भी इस तरह की बनाएगा, ठीक है, उसे मैं वो अडोब कहेगा, अडोब, ठीक है, या फिर इसके प्रीसेट्स कहेगा। तो मैं प्रीसेट्स में आपको, मैं प्रीसेट्स पर भी बहुत सी वीडियो बनाऊंगा। मेरे पास बहुत से प्रीसेट्स मैंने खुद बनाए हैं, ठीक है, मेरे पास पड़े हुए हैं, ठीक है। वन क्लिक फ़िल्टर, ठीक है। तो अगर आप कहेंगे तो मैं, अगर आप मेरे को इस तरह की बना कर सेंड करेंगे इंस्टा पर, ठीक है, इंस्टा पर जाकर मुझे फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। और आपने करना है, सिर्फ आपको इतना सा ही काम करना है और आपके सामने जो ये सारा कुछ आ जाएगा, ठीक है। मैं बिल्कुल सारा कुछ आपके सामने करता हूँ, कोई मैं पीछे वाली साइड पे नहीं करता। या फिर यानी आप लोग कहते हैं कि यार भाई ने बीच में से वीडियो काट दिया, यार मैं कहीं से वीडियो नहीं काटता हूँ, ठीक है। मैं वीडियो जैसे बनाता हूँ उसी तरह में साथ साथ रिकॉर्ड भी करता हूँ, ठीक है। मैं ऐसे नहीं करता कि भाई पहले वीडियो बना के फिर मैं रिकॉर्ड वॉइस ऐड करता हूँ, नहीं नहीं यार ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आप एडिटिंग देखें कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो आपने क्या करना है कि येलो को छेड़ना, येलो देखे मैंने जब छेड़ा तो, ठीक है, इसके बाद ये हमने ये देखे, मैं आपको बता दूं कि मैं सारे जितने भी कलर ग्रेडिंग्स करता हूँ वो सिलेक्टिव टूल से और कैमरा रॉ फिल्टर से करता हूँ, ठीक है। मैं पहले कैमरा रॉ फिल्टर यूज़ करता हूँ, अगर मेरे मतलब का फ़िल्टर निकल आए तो मैं वहीं पर डन कर देता हूँ एडिटिंग, अगर ना निकले तो आप यहाँ से सिलेक्टिव कलर में यूज़ करता हूँ, ठीक है। और देखें नीचे आ, ये देखें, अब यहाँ से मैं इसलिए कराऊँगी मेरे जो फेस पर जो देखिए फेस मेरा वाइट हो गया है, ठीक है। ये फेस वाइट होने के बाद तो हमने यहाँ से देख के थोड़ा सा इसको उठा देना है, जो इससे क्या होगा कि हमारे जो फेस पर शाइन आ रही है, ठीक है, जो हमारा कंस्ट्रक्टर है उससे हमारे ब्लैक हर चीज़ का अपना अपना कलर आ गया है, ठीक है। तो ये देखें अब ये जो हमारा यहीं से हमने इसको अपने फेस की बैकग्राउंड की सारी मैंने इसकी एडजस्टमेंट की है, ठीक है। एडजस्टमेंट करने के बाद, ठीक है, मैं सारा कुछ आपके सामने कर रहा हूँ, बिल्कुल लाइव दिखा रहा हूँ यार आपको, ठीक है। कोई बीच में से कट नहीं, कोई कॉपी नहीं, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो सब कुछ आपके सामने बिल्कुल रियल कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखें आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो आपने यहाँ से ये राइटिंग उठानी है, राइटिंग लगा देनी है यहाँ पर, राइटिंग को छोटा करके स्क्रीन में मैं देखिए स्क्रीन पर जाके हमने इसको कर देना है यहाँ पे, ओके, ठीक है। तो हमें इसको छोटा करना है, ठीक है। छोटा करने के बाद तो यहाँ पे हम इसे लगा देंगे, तो ये देखिए हमने इसे लगा दिया। लगाने के बाद हमें इसको वहाँ से करना है टिक, ये यहाँ पे सॉरी निशान नहीं आ रहा, तो हमने इधर वाले टिक के निशान से यस कर देना है। यस करने के बाद हमें एक और राइटिंग लेनी है, ठीक है, एक और राइटिंग अलोन, ठीक है। अलोन को उठाना हमें यहाँ पर और यहाँ पर रख देना है। रखने के बाद हम इसे अपनी इसकी बैक्स वाली साइड पर लगाएंगे। बैक वाली साइड पर लगाने के बाद तो हम इसे थोड़ा सा कंट्रोल एल दबाकर मुझे एडजस्ट करेंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी इसे छोटा करके यहाँ पर मैं एडजस्ट कर लूँ। ये देखें यहाँ पे इसको मैंने लगा देना है, ये यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, ये देखें थोड़ा सा ऊपर कर लिया मैंने इसको, यहाँ पे लगा लिया। तो यार ये बीच बीच में से कहीं कहीं से पिक्सल की वजह से पिक्सल फट जाते हैं, ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, रेज़र अप्लाई करूँगा रेज़र के, ठीक है। ये देखें कंट्रोल एल और ये देखें यहाँ पर मुझे क्लियरली नज़र आ रहा है, ठीक है। नज़र आने के बाद तो मैंने इसको करना ओके, ओके के बाद हमने रेज़र सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और यहाँ से हमने इसे फेर देना है अपने सर के ऊपर से, क्योंकि यहाँ पे जो इफ़ेक्ट है वो अगर कोई जूम करके भी देखे तो तस्वीर उसे नज़र
ना इफेक्ट। तो ये देखिए मैंने इसको अपने फेस के ऊपर से और साइडों से ऊपर नीचे से सारी जो मेरी जो लेयर थी उसका जो ब्लैक बैकग्राउंड वाइट बैकग्राउंड वो वाइट हो गया था, ठीक है। उसके बाद कर लूँ ठीक है। तो इधर उसे आपने देखे मैंने अपना लोगो लगाया ठीक है। तो आपने क्या करना है कि इसको ओके करना है ठीक है। ये देखिए मेरा लोगो देखने लग चुका है। अगर आप कहते हैं तो मैं आपको इस तरह का लोगो भी दे सकता हूँ ठीक है, आपके नाम का बना करते, लेकिन आप उसके बदले में सिर्फ आपने क्या करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। सब्सक्राइब करना है यार मेरे सब्सक्राइबर वो थोड़े, मैंने इतनी ज़्यादा वीडियोज़ अपलोड किए लेकिन मैं फेमस नहीं हो पा रहा हूँ, तो यार आप लोगों की मुझे बेहद ज़रूरत है ठीक है। तो बैकग्राउंड पड़े हुए हैं, मैंने यहाँ से बैकग्राउंड उठा लिए। बैकग्राउंड उठाने के बाद देखिए मैंने यहाँ से लेंस फ्लेयर उठाना, लेंस फ्लेयरिंग लाइट जो होती है, मतलब यहाँ से मेरे पास येलो कलर की लाइट पड़ी होगी। मैं देखता हूँ, ढूंढता हूँ आपके सामने मैं सारा कुछ कर रहा हूँ। ये देखता हूँ ज़रा यहाँ पे शायद, हाँ यहाँ पे होगी। ए बस नज़दीक ही आ गया हूँ मैं इसके, क्योंकि यार मेरे पास बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड है, बहुत ज़्यादा ना ये मुझसे गलती होगी, वरना मैं पहले भी जो जो PNG यूज़ करता हूँ वो पहले निकाल के रख लेता हूँ। ये बस ये देखिए यहाँ आगे करने के बाद हमने इसको करना है स्क्रीन मोड पर, ये करना है स्क्रीन मोड, स्क्रीन मोड पर इसको यहाँ से उठाएंगे और यहाँ पर लगा देंगे। यहाँ पर लगाने के बाद थोड़ा सा बड़ा करेंगे, बड़ा करने के बाद तो यहाँ पर हमने कर देना ओके ठीक है। ओके का बटन आ गया ठीक है, इसको हमें टिक करना है। टिक करने के बाद तो ये देखिए हमारा एडजस्ट हो चुका है ठीक है। अभी हमने क्या करना है कि मर्च विजिबल कर देना है। मर्च विजिबल करने के बाद हमने फिर से कैमरा का फिल्टर ओपन करना है। कैमरा फिल्टर ओपन करने के बाद हमने चेहरे का रंग थोड़ा सा वाइट कर, ये देखिए थोड़ा सा वाइट हो गया ठीक है। तो हमने ये वो सॉरी ये देखें तो भाइयों यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दो यार, लाइक कर दो, शेयर कर दो ठीक है। सिर्फ छोटा सा काम है आपके लिए।